आईफोन 14 प्रो मैक्स आ चुका है यहाँ पे माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मस्जिद में बैठ के इसका उद्घाटन कर रहे हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तो ऊपर तक टच है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन लोग जो है वो एक हदीस को भूल जाते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई हदीस है, जब तक पूरी दुनिया मिलके अगर किसी इंसान को नुकसान पहुंचाने की नीयत से कोई काम करे, काम में अगर अल्लाह की रजा ना हो तो पूरी दुनिया मिलके भी उस शख्स को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज यजदान और हमारे साथ हैं मिस्टर रब्बानी फ्रॉम मुंबई और उनके साथ उनके भाई भी हैं इमरान भाई और हमारे कादर भाई, अब्दुल कादिर भाई। हम अब्दुल रौफ भाई को मिस कर रहे हैं और अब्दुल्ला भाई को मिस कर रहे हैं, बट आमिर भाई को भी और जितने भी भाई हैं सारे भाइयों को मिस कर रहे हैं। अगर किसी का नाम नहीं लिया तो माफ कर दीजिएगा। तो चलिए अभी हम खाना खाने जा रहे हैं क्योंकि ये हमारा व्लॉग 2 है बट सेम डे इन मुंबई। सो लेट्स सी कि हम कहाँ जाते हैं, कहाँ जाने वाले हैं। दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार, जाफर भाई दिल्ली दरबार। जाफर भाई मैंने बहुत सुना है वहाँ का कि वहाँ का बेस्ट बिरयानी स्पेशलिस्ट है माशाल्लाह। उसके बाद जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए असर की और उसके बाद कल्टी मुंबई से। चलिए जी चलते। चलो जी अभी आ गए दिल्ली दरबार ग्रांट रोड और कहाँ ग्रांट रोड जाफर भाई दिल्ली दरबार। जाफर भाई दिल्ली दरबार बिरयानी खाएंगे यहाँ माशाल्लाह। चलिए जी नोवा हमारी लग चुकी है और रब्बानी भाई माशाल्लाह तबारक अल्लाह भाई अंदर से तो बहुत जबरदस्त है। फेमस है एकदम, इसका कोई ये नहीं है। और भाई दुल्ला भाई मुझे कल बता रहे थे कि इमरान भाई सेम अपनी कॉपी छे एकदम रेप्लिका एकदम बढ़िया बॉम्बे आते हम लोग हमारे लिए पूरा टीम है, हमारा पूरा ग्रुप ही है। अच्छा अच्छा अभी तो साथ में एकदम दो तीन दिन नहीं से इरफान नहीं है, सामी भाई नहीं है, अहमद नहीं है, तीन चार जन नहीं है, बाकी हम लोग का पूरा ग्रुप ही है। सारे बैठ चुके हैं मेरे भाई, खाना खाएंगे। कैमरे के आते ही भाई सारे सेट हो जाते हैं माशाल्लाह। आमिर भाई क्या हो गया, खास कर रहे हो? इतनी बिरयानी खा रहे हो आ चुका है हमारा, पापड़ों से काम चलाना पड़ रहा है, सबको भूख लगी है, सबके पेट में चल रहे हैं चूहे। आमिर भाई सेट है मामला जी। ये है, ये क्या है अब्दुल्ला भाई? चिकन पटियाला। चिकन पटियाला वो प्रॉन्स और ये है प्रॉन्स चिल्ली बटर गार्लिक। ये हमारे बटर गार्लिक प्रॉन्स चिल्ली और ये भाई ने मंगाया हमारे। अच्छा वो अच्छा है। हाय हाय तंदूरी रोटी विद चिकन पटियाला। A few minutes later. नवाना हो गया, यहाँ की बिरयानी माशाल्लाह बहुत जबरदस्त थी, बहुत अच्छी थी। यहाँ का चिकन पटियाला भी मस्त था। पेट तो भर गया है, नियत नहीं, दिल पे और एक आधी बिरयानी चले जाएगी। अच्छा कोई चाहिए जो साथ दे, रब्बानी भाई देंगे। ये देखो रब्बानी भाई से हमारा हो गया अब्दुल्ला भाई। गाइस ये हमारा पैकेट है, इसमें आपको बाद में पता चलेगा क्या है वो, है ना, गिफ्ट है माशाल्लाह। दिल्ली दरबार से विदाई हो रही है हमारी, थैंक यू जी। कहाँ जाना है अभी? मैं तो बोलता हूँ अभी असर की नमाज़ पढ़ते हैं, असर की नमाज़ पढ़ने के बाद निकल जाएंगे, अभी मस्जिद के लिए जा रहे हैं। फोन। अरे भाई साहब क्या चल रहा है यहाँ पे मज़ेदार। यह है सैयद अनवर अशरफ मुसन्ना मियाँ अच्छा, मस्जिद का नाम है माशाल्लाह। अच्छा ये वाली है मस्जिद, ओके ये क्या है, ये अलग चीज़ है। अच्छा ओके ओके, ये है हमारे अब्दुल कादिर भाई, अरे सॉरी अब्दुल सो गाइस ये है हमारे अब्दुल सत्तार भाई माशाल्लाह। ये देखिए रही मस्जिद माशाल्लाह, मस्जिद कितनी प्यारी मस्जिद है।
हमारे वजू कर रहे हैं, अब्दुल सत्तार भाई हमारा भाई। चुकी है हमारी और हमारे रब्बानी भाई। भाई आपका चश्मा किधर गया? विंटेज कार फियट, जबरदस्त गाड़ी है, पर कुछ भी बोलो। माए हैं अभी ईरानी चाय, क्या रब्बानी भाई ईरानी चाय में आए हैं हम। उस्मानी बिस्किट भी खाएंगे, उस्मानी बिस्किट, ये इधर का स्टाइल है, चाय इतनी पियो। हम खाने वाले हैं उस्मानिया बिस्किट। अरे माशाल्लाह क्या बात है, करो 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 ना, करो 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 तो सही। अब्दुल्ला भाई क्या बात है, ठंड हो गई यार भाई, ठंड हो गई है। सो गाइस जिसको भी वाटर प्रूफिंग करनी है, जिसको भी कंस्ट्रक्शन का काम करना है, इंजीनियरिंग वर्क करना है, हमारे भाई रब्बानी भाई को कॉन्टेक्ट करो। इंशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। वहाँ ऊपर बिल्डिंग पे देखो, क्या देखना है? स्लाइडिंग विंडोज देखो सबके, कितने ऊपर हेरिटेज है ऊपर। एक को भी सेफ्टी ग्रिल नहीं लगा हुआ है। सही बात है, कल के दिन कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है। सो गाइस यही हमारे रब्बानी भाई का एक्सपर्टीज है। गाइस ये जो जा रहे हैं ये मुंबई के बादशाह है ना, इमरान भाई द मोबाइल किंग, द मोबाइल किंग। आ गए हमारी, ये हमारी गाड़ी, वो भी हमारी गाड़ी, और ये हमारे भाई अब्दुल भाई, अब्दुल सत्तार, अब्दुल कादर भाई हमेशा। हाँ AKAS, ये लड़ाई हो रही है हमारे गाड़ी चलाने के ऊपर, लड़ाई हो रही है गाड़ी चलाने के ऊपर, लड़ाई हो रही है। आमिर भाई ने भी हाथ खड़े कर दिए, अभी अब्दुल्ला भाई को गाड़ी चलानी पड़ेगी। आएंगे इधर सारे, ये जंपो इनोवा है किसका? ये बॉम्बे का सबसे पुराना मार्केट है, हीरापन्ना शॉपिंग सेंटर। अच्छा ये वाला हाजी अली के सामने है। अच्छा सारे इसके अंदर जो बाहर से जो दुबई से फोन वगैरह सब आते थे ना, इलेक्ट्रॉनिक आइटम सारे इम्पोर्टेड, सब इधर ही मिलती थी पहले। अच्छा अब दुबई से जो आता था, दुबई से आता था जो भी, सब चीज़ इसमें मिलती थी। लेकिन अभी सब तो, अभी तो कॉमन हो गया, हर जगह मिलता है। अभी ये दुकानें धीरे धीरे खत्म हो गई है, बंद हो गई है। अच्छा पहले अच्छी चीज़ के लिए यहीं पर आते थे सब बॉम्बे वाले, ये हाजी अली के एकदम सामने। ओके हाजी अली दरगाह सामने, हाजी अली दरगाह ये सामने है ना वहाँ पे। अरे 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 भगा लिए, इधर सामने चालू रहने तो आपको हाजी अली दिखेगा ऐसे। अच्छा हाँ ये हाजी अली जूस सेंटर है, बहुत पुराना है ये। एंट्री ओके देखो यहाँ से, और उसके बाजू में कहाँ से एंट्री है? बाजू में दिख रहा है। अच्छा यहाँ से एंट्री है। ओके ओके ये ओके इधर से। अच्छा ये जो जा रहे हैं ये हाजी अली जा रहे हैं सारे, ये सारे बंदे सब हाजी अली जा रहे हैं। अभी यहाँ से नहीं दिखता है, यहाँ पर क्या अभी काम चल रहा है सब। हाँ सामने वो शेड वेड आ गए ना। हाँ मल्टीपल ब्रिजेस का काम चल रहा है, इसलिए कोस्टल रोड बन रहा है यहाँ से। ये सीधा एक वर्सोवा जाएगा। ओके और वहाँ से सिटी को बाहर से कनेक्ट करने के लिए पूरा बन रहा है, तो भीड़ भी कम हो जाएगी, भीड़ भी कम हो जाएगी। बांद्रा सीलिंग पे पहुँच चुके हैं हम, काश हम यहाँ पे रुक के फोटो खिंचा सकते। इनको एक बनाना तो चाहिए था यहाँ पे यार। नहीं यहाँ अलाउड नहीं, अलाउड ही अलाउड, रुकना ही नहीं अलाउड। अगर रुक गए तो फाइन आ जाएगा, कैमरा में फोटो आ जाएगी आगे। अच्छा और ये ब्रिज का फाइन भी 2000 रुपये, इसका भी 2000, हर चीज का 2000। ऐ चादर में लिपटने वाले उठो, अब खबरदार करने लगो, और अपने परवरदिगार की बड़ाई बयान करो, और अपने कपड़े पाक रखो, और शिर्क की गंदगी से तो अलग ही रहो, और इस नियत से एहसान न करो कि उससे ज्यादा के ख्वाहा हो, और अपने परवरदिगार की खातिर सब्र करते रहो, फिर जब सूर फूंका जाएगा तो वो दिन मुश्किल का दिन होगा, यानी काफिरों पर आसान न होगा। मुझे उस शख्स से समझ लेने दो जिसको मैंने अकेला पैदा किया। सारे भाई खड़े हैं हमारे, और हमारी अभी शूटिंग वीटिंग हो गई है, और यहाँ से अभी कहाँ जाना है भाई? लोखंड वाला जाएंगे और वहाँ पे जाके नमाज पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद आगे पूना। चलो माशाल्लाह पानी भाई, गुड्डू भैया, गुड्डू भैया क्या बात है। फोन आया तुम्हारा। लो जी आ गए हम, आए हैं मरकस में। यस मिल्लत मरकस, मिल्लत मरकस। यस ओके, ऊपर स्कूल है। ओके सब बच्चे लोग की सब अपने मुस्लिम गर्ल्स स्कूल है। इसके बाजू में ये जो रोड जा रहा है ना, हाँ इसके बेसमेंट में हॉस्पिटल है। ओके फ्री ऑफ कॉस्ट, नॉमिनल कॉस्ट। ओके हाँ फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्पिटल, और गर्ल्स के लिए स्कूल, बॉयज़ के लिए स्कूल,
और ये है ग्राउंड फ्लोर में पूरी मस्जिद है। ये मरकज है, मरकज है, मरकज है, ये मेन मरकज। अब ये है अपना मरकज, माशाल्लाह तबारक अल्लाह। ये पार्क दिख रहा है? हाँ, यहाँ सब जमाते रुकती है अच्छा, अगर जो जमात आती है कयाम करते हैं। ओके, यहाँ पे अंदर ये किचन में खाना बनाने के लिए। ओके, वो सामने मस्जिद है, ये मरकज ही है पूरा। अच्छा, ये पूरा मरकज है, जमात के लिए बैठा मतलब जमाते यहाँ पे सोते हैं, सोते हैं, कयाम करते हैं, बयान वगैरह आते हैं। नमाज होने के बाद में इधर आके तुम्हारा पूरा अपना तालीम वगैरह जो पूरा सब चीज़ है। माशाल्लाह। A few moments later. So guys, चलिए हमारे अहमद भाई, ये यहाँ के जगत भांजा ऐसा इन्होंने बोला मुझे आते हुए, है ना? सबके भांजे। ये बोल रहे थे आप सुबह शाम के 6 बजे उठते हैं, रात के राजा हैं। ये रात के राजा हैं, नाइट राजा, सिर्फ नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के लिए उठते हैं, बाकी टाइम सोते हैं। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, भाई की स्माइल तो देखो। अभी हम जाते हैं अनबॉक्सिंग करनी है किसी चीज़ की। ये रब्बानी भाई क्या गिफ्ट कर रहे हैं मेरे को, बहुत अच्छा गिफ्ट कर रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। सारे बैठ गए भाई टेबल वेबल पे। सो गाइज, मैं फ़ोन के लिए तलाश में था एंड पुणे में हमने हर जगह पे हाथ पैर मारे। हमारे अब्दुल्ला भाई ने बहुत हेल्प की पुणे में, उनके कॉन्टैक्ट्स लगाए, बट पुणे में हमें फ़ोन नहीं मिला। बिकॉज मेरे पास जो अभी फ़ोन है वो 128 GB है और डेली व्लॉगिंग करनी होती है और मैं कर नहीं पाता, और इस वजह से मुझे चाहिए था 1 TB जिसमें हम अच्छे से व्लॉगिंग कर सके, अच्छे से अच्छा काम कर सके। बट 1 TB की शॉर्टेज हो गई। और हमारे जो इमरान भाई हैं मुंबई के बादशाह, अरे इमरान भाई ने हमारी हेल्प की। इन्होंने मुंबई में मतलब मेरे को एक बंदा था पुणे में जो बहुत बड़ा डीलर है पुणे का, उसने बोला था कि तुम मेरे को लेके दिखा दो 1 TB का फ़ोन, 14 Pro Max लेके दिखा दो। बोले मुंबई में लेके दिखा दो, गुजरात में लेके दिखा दो, पुणे में लेके दिखा दो। लो भाई, हमारे इमरान भाई ने लेके दिखा दिया। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बोले बस। तो हमारे भाई के पास देखिए आईफोन 14 प्रो मैक्स आ चुका है यहाँ पे। 1 TB दिखा, 1 TB आ चुका है। इधर भी दिखा दे थोड़ा जा। अब्दुल्ला भाई सो जाते जिधर मिले, बेड उधर लेट जाते अब्दुल्ला भाई हमारे। वन टीबी मिल चुका है माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मस्जिद में बैठ के इसका उद्घाटन कर रहे हैं हम, है ना, मरकज में बैठ के बिस्मिल्लाह कर रहे हैं। मदनी मरकज जोगेश्वरी, वहाँ पे बैठ के इसका अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले हमें और अच्छे अच्छे इस्लाम के लिए काम करें, हम अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएं इंशाल्लाह। ओए होए होए, निकल गया फोन। साबुन इमरान भाई साबुन नहीं देंगे हमें क्या भाई, आप भी शक कर रहे हैं क्या? अब्दुल्ला भाई क्या कर रहे हैं? इमरान भाई का नाम खराब हो जाता। हाँ, इमरान भाई का नाम खराब हो जाता। अब्दुल्ला भाई क्या कर रहे हो आप ये? माशाल्लाह माशाल्लाह से माशाल्लाह, नहीं तो नजर लगती नहीं तो। अभी इसको चालू मारेंगे बिस्मिल्लाह। हो गया हो गया, शुक्र है। चलो भाई काम हो गया। इमरान भाई की इज्जत स्टेक पे। हाँ चालू तो होगा। अरे हाय, ये देखो भाई इमरान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतने बड़ा काम करके दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह का शुक्र है। चलो 1 TB मुबारक भाई, अच्छे काम करो। मुबारक, आप तो मिलोगे नहीं। मुबारक दूसरी एक और मुबारक, मुबारक हो, मुबारक हो हरमन, मुबारक हो नया फोन, तुम वापरने वाले वो फोन ये इसमें शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। चलो गाइस, अभी हम यहाँ से निकलते हैं पूना की तरफ, बिकॉज लेट हो चुके हैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है हमें। हमने शॉपिंग भी की है, हमारे आमिर भाई ने अत्तर लिए,
अजमल से, अजमल से अत्तर लिए इन्होंने, पर मैंने लिया अल अहमद से, अल अहमद से अत्तर लिए मैंने। चलो इमरान भाई चलो, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको बहुत बहुत बरकतों से नवाजे, अल्लाह आपकी सेहत में तो पुणे के अंदर मिलेंगे बरकत बहुत, तो फिर नेक्स्ट टाइम इधर आपकी दावत करेंगे जब घर पे आना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह भाई, ठीक है। आप ध्यान रखिए और हमें दुआ में याद रखिए, और आप भी अपना ध्यान रखें और हमें दुआ में याद रखें। जज़ाकअल्लाह खैर, थैंक यू। कौन आ रहा है? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा आप आ रहे हो? हां मैं चल रहा हूं। आ जाओ आ जाओ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई गाड़ी में खचा खच भरे ले सब, माशाल्लाह देखिए। बोल रहे यार आमिर भाई, गाड़ी चल रही ना भाई? Yes. कोई टेंशन नहीं ना? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। ताकत अंगारे अलकाजार का फोन चल रहा ना वो चल रहा है। अरे देखो भाई अलकाजार के पीछे पड़े ले। वैसे 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 बोलते गाड़ी में आवाज नहीं है, अच्छी गाड़ी है एकदम, अभी बोल रहे भंगार है बोले। अलकाजार को थोड़ा सा स्ट्रेच करना पड़ेगा, स्ट्रेच करना पड़ेगा। वाह, हम आए लोखंड वाला, रब्बानी भाई लेके आए हमें लोखंड वाला मार्केट, लोखंड वाला मार्केट। हम आए हैं लोखंड वाला मार्केट को एक्सप्लोर करने, फर्स्ट टाइम लोखंड वाला। यहाँ पे तो पार्किंग का बहुत बड़ा मसला है फिर। चलो जी अभी हम जा रहे हैं मार्केट में लोखंड वाला की, घूमने जा रहे हैं, सैर करने जा रहे हैं, खाना पीना खाने जा रहे हैं, है ना? फिर उसके बाद ईशा की नमाज भी पढ़नी है, आइसक्रीम भी खाएंगे इंशाल्लाह। A few moments later. So guys, लोखंड वाला से निकल चुके हैं अभी, और आमिर भाई बैठ चुके हैं पीछे, पहले बैठे यहाँ पे, फिर बैठे यहाँ पे, अब बैठ गए पीछे। आमिर भाई हर एकदम पीछे, अब आमिर भाई छत पे बैठने बाकी है, बस बाकी सब सेट है। और अब्दुल्ला भाई आपने शॉपिंग वॉपिंग कर लिया? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे लोग मोहम्मद के लिए लिया आपने शूज, माशाल्लाह मोहम्मद देख लो, तुम्हारे अब्बू जी ने शूज लिए तुम्हारे लिए। वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब्दुल्ला भाई बाहर निकल गए, निकल गए क्या? चलो आमिर भाई, चलो भाई ध्यान से जाइयो, जा रहे हो? हाँ चलो। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह। अरे 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 आराम से, ये जगह कभी नहीं बैठता, पीछे बैठा तुमने पहली बार बैठे पीछे। चलो बढ़िया, आमिर भाई आराम से बैठ गए। नहीं नहीं वो ट्रैफिक में थे ना, अपन ट्रैफिक में जो जल्दी बैठ गया वो जान दो, जान दो बाकी लोगों को बैठना था। चलो जी अभी ईशा की नमाज पढ़ने आए हम, गाड़ी पार्क कर। ये कौन सी जगह है भाई? हाँ कौन सी जगह है ये? ये गोवंडी, गोवंडी। हाँ यहाँ पे ईशा की नमाज पढ़ने आए अल्हम्दुलिल्लाह, वुजू करते हैं और ईशा की नमाज पढ़ते हैं, फिर उसके बाद बाकी। सो गाइस यहाँ से अभी निकल चुके हैं नमाज पढ़ के ईशा की, और अभी जाएंगे हम पूना, पूना की, पूना के लिए रवानगी हो चुकी है हमारी, लीविंग बॉम्बे एट 10 PM। इस हाईवे पे गाड़ी चल रही है 120-140 की स्पीड पे, स्टेयरिंग से हाथ निकल चुका था रब्बानी भाई का, चलान पड़ने वाला है भाई को, क्योंकि यहाँ पे कैमरा सारे लगे हुए हैं। रब्बानी भाई आप इतने स्टंट क्यों मार रहे हो, वो भी एक्सप्रेस हाईवे पे, क्या आप थोड़ा सा बता सकते हैं हमारे दर्शकों को? गाड़ी क्रूज कंट्रोल पे डाला है 95 की। अरे क्रूज कंट्रोल पे तो आप रेस बंदर हाथ भी छोड़ रहे हो, स्टेयरिंग भी क्रूज कंट्रोल पे छोड़ा। माशाल्लाह आज का माहौल कैसा है, आज लोगों को जो है ना अपनी अपनी चीजों पे अकीदा है, किसी का अकीदा जान माल पे है कि भाई मेरे पास माल है मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, किसी का अकीदा जो है वो भाई अपने रसूख पे है, जान पहचान पे है कि मेरी फला फला से पहचान है, मेरी ये है मेरी वो है, मेरी तो ऊपर तक टच है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन लोग जो है वो एक हदीस को भूल जाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई हदीस है कि जब तक पूरी दुनिया मिलके अगर किसी इंसान को, किसी एक शख्स को नुकसान पहुंचाने की नीयत से कोई काम करे, लेकिन उस काम में अगर अल्लाह की रज़ा ना हो तो पूरी दुनिया मिलके भी उस शख्स को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और इसी तरह अगर पूरी दुनिया के जो है इंसान मिलके किसी एक शख्स को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, उनकी नीयत है कि इसको फ़ायदा पहुँचाए, लेकिन उसमें अगर अल्लाह की रज़ा नहीं है तो पूरी दुनिया के इंसान मिलके भी जो है वो शख्स को
फायदा नहीं पहुंचा सकती। सही बात है। बात जो है सिर्फ क्या है, फर्क जो है अकीदे का है, किसका अकीदा और जिसका जो बोलेंगे कि भाई ये अकीदा रहेगा कि जो कुछ होता है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात से होता है, उसके सिवा किसी की मतलब अल्लाह की ज़ात के सिवा, अल्लाह के हुक्म के सिवा जो है ना, हम लोग दरख्त देखते हैं ना, तो दरख्त का एक पत्ता भी जो है ना, वो भी अगर हिलना चाहे ना खुद की मर्ज़ी से तो नहीं हिल सकता जब तक अल्लाह की जो है रज़ा ना हो। अल्लाह अगर जो चीज़ ना कराना चाहे तो तब तक वो चीज़ नहीं हो पाती है। इसके लिए इंसान जो है ना अपनी गफलत में है तो अपने जो है अकीदे को इंसान दुरुस्त कर लेवे, अपने ईमान को मजबूत कर लेवे और यही यकीन रखे कि बस सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात से होता है। बस ये यकीन जो है इंसान रखे और अल्लाह जो भी है गुमान अल्लाह से करे। सही बात है। इंसानों से तो इंसानों से तो करे ही नहीं गुमान भाई आज के दौर में खास। भाई ज़्यादातर लोग आजकल कहते हैं कि मतलब कोई भी एक्शन लेने से डरते हैं कि भाई हमारे घर में बीवी है, बच्चे है, हमारे जाना माल का नुकसान हो जाएगा अगर हमने कोई चीज़ का ऊपर आवाज़ उठाया तो, या फिर कोई चीज़ के बीच में खड़े हो गए तो, या किसी को कोई गलत काम के खिलाफ हम लोगों ने आवाज़ उठाई तो लोग तो ये समझते कि हमारे जो है जान है, माल है, बच्चे है, ये लोग सब आजमाइश की चीज़ें हैं, अल्लाह ने आजमाइश के लिए लिया है सब कुछ। तो ये इसको खो जाने का डर के हमारे हम लोग ये भूल जाते कि जो भी है सब कुछ अल्लाह के हाथ में। सही बात। मतलब हमको ये भूलना नहीं चाहिए कि कुछ भी एक पत्ता भी हिल नहीं सकता अल्लाह के हुक्म के खिलाफ। ये आपको पता है कि जब आप कहते हो या अल्लाह तो 70 दफ़ा अल्लाह की तरफ से जवाब आता है, बोल मेरे बंदे बोल, तेरा रब हाजिर है। हर रोज़ अल्लाह से मांगा करो, अल्लाह का जिक्र किया करो और ऐसा मांगो अल्लाह से, इतना मांगो जितना आप आपकी सोच से भी ऊपर है। हर टाइम जिक्र किया करो, हर टाइम अल्लाह से मांगा करो, दुआ किया करो सबके लिए, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने वालिदैन के लिए, सिर्फ अल्लाह से मांगा करो, क्यों अल्लाह ही है जो सब कुछ देने वाला है हमको और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। हम क्या है, हम सब दुनिया पे अकीदा रखने लग गए कि भाई ये काम से मेरा ये हो जाएगा, ये काम से मेरा ये हो जाएगा। हम लोग ऐसा नहीं सोचते कि भाई हम लोग दो रकात नमाज पढ़ के ये चीज़ के लिए अल्लाह से तलब करें कि अल्लाह हमारी सुन लेगा, और अल्लाह सुनता है और अल्लाह वो बेशक देगा, पर हम लोग मांगते नहीं हैं। गज़ीबो, यस। हम लोग यहाँ शादी में आए थे। अच्छा। मेरे चाचा है ना, आरिफ चाचा, उनके फ्रेंड है, उन लोग ने डेस्टिनेशन वेडिंग किया था, मतलब प्लान किया था। ये पूरा रिसोर्ट है ना, 27 रूम है इधर, 27 रूम, हाँ 27 के 27 रूम बुक किया था, और ये रिसोर्ट था, पूरा स्विमिंग पूल पूल वगैरह सब था एकदम। चलो जी चलते हैं, अभी खाना खाएंगे। कितने बजे रहे अरमन? 11:40 बज रहे हैं और हम अभी लोनावला में हैं। कुमार रिसोर्ट गज़ीबो में आ चुके हैं। मस्त है, दस्तरखान है पूरा। ये लोग अपना एक एक इतना दूर दूर क्यों बैठे हैं भाई? अब्दुल्ला भाई आप इतने कोपचे में क्यों चले गए? इस आप इस हिसाब से बैठे हो, आपका एंगल बड़ा सही आ रहा है। नींद आ रही है अब्दुल्ला भाई को, फजर से उठाया हुआ है भाई को, फजर के बाद भाई को सोने नहीं दिया ना। मंगाए हमारे फेवरेट चने, चना लहसुन, लहसुन चना, माशाल्लाह। ये सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री है, भिवंडी से स्टार्ट होती है। तो ये है चिकन जलंधरी कबाब, जलंधरी, हाय 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 हाय, चिकन जलंधरी कबाब। तुम्हारा गांव वाला कबाब दिख रहा है? ये गांव वाला नहीं है मेरे, गांव के बाजू वाला है। हां पंजाब में भी हो गया ना फिर। बोल दो बोल दो। और तंदूरी रोटी, तंदूरी वो भी वीट वाली, वीट वाली। और इमीडिएटली लेके आओ, लेके आ जाओ। थैंक यू जी। अब्दुल्ला भाई यू आर ओके? अब्दुल्ला भाई इज हैप्पी विद लहसुन, ही लाइक लहसुन, माशाल्लाह। अरे मैं खाता ही नहीं, माशाल्लाह। अरे मत दो, मैं नहीं खाता। कैसा? अरे नहीं खाता मैं। कौन खाएगा ये? तुम खाने वाले, तुम एक भी ज्यादा खा रहे हो। बहुत होगी मेरे। सो गाइस यहां पे नल्ली पे झगड़े हो रहे हैं। अरे बात मानो, ये देखो हमारे भाई
उम्र किसकी हो गई? तुम्हारी तुम्हारे ऐसे जोड़ों को जरूरत है नली की। कहीं नली किधर की नहीं रहेगी, एक जगह पे रख दो उसको। विटामिन डी की जरूरत है इंशाल्लाह। फाइनली आमिर भाई डिसाइडेड टू ईट नली। और ये देखो हमारा भाई, भाई के पीने का स्टाइल देखो भाई। आमिर भाई ने गुर्दा निकाला है, अरे ये कैसे निकाल रहे हो? स्टाइल है, स्टाइल है। आए क्या बात है, एक नंबर गुर्दा निकाल, जोड़ों के दर्द के लिए। कम उसको ये बोटी दे। कम खाना हो गया जी हमारा। हमारे पास अब्दुल्ला भाई उठ नहीं रहे, उनसे उठा नहीं जा रहा, उठ गए भाई माशाल्लाह। अब्दुल्ला भाई को हो गया जुखाम, बाहर का खाना खा के आज भाई इतने चार्ज हो गए, बोले मैं चलाऊंगा, पहले बोले थे मैं नहीं चलाऊंगा माशाल्लाह। अब्दुल्ला भाई के लिए सब दुआ करो गाइस, जुखाम हो चुका है अब्दुल्ला भाई को, लड़ डाला ना इन्होंने। सो गाइस कभी भी आप गजीबो, क्या नाम है इसका, गजीबो, गजीबो में आओ आप, नहीं आओ आपकी मर्जी है, हम कुछ नहीं बोलेंगे। कैसे ऐसा करने का। One hour later. मेरे भाई को छोड़ रहे हैं जी हम उनके घर पे। देखो क्या सामान है। हाँ आमिर भाई का सामान दे दो माशाल्लाह। रात के 2 बजे भाई बैठ यार, भाई मेरे को भी एक बार लेके चलो ना क्रिकेट खेलने, जाएंगे ना कौन मेरा, मैं बहुत टाइम हो गया, लेट होता है फिर तुम बोलेंगे मेरे घर पे जाना। 10 बजे चालू करते हो? 10 बजे चालू करते भाई यार, थोड़ा जल्दी करो ना एक दिन, सुबह सुबह में, सुबह में एक बार, सुबह मॉर्निंग में रिक्वेस्ट करके दे, बोलेंगे उसको 9 से 12 का। आमिर भाई को भी लेके जाएंगे, सुबह मॉर्निंग में जाते ना। क्या क्यों सर बाबू? अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। छुट्टी कर ले हमदान, छुट्टी कर ले भाई कल, चलता ध्यान से जाइयो भाई, ध्यान से जाइयो घर पे। ये खड़ी अपनी गाड़ी, यहाँ से लेंगे अपनी गाड़ी और जाएंगे रब्बानी भाई। आमिर भाई पीछे आ गए हमारे, लाइट दिखाने आए हमको गाड़ी की अपनी, उनकी गाड़ी की लाइट बहुत ज्यादा। ओए होए होए भाई ये देखिए, अरे 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 माशाल्लाह, अरे इन्होंने भी तस्बीह लगाई है माशाल्लाह भाई, तस्बीह लगाई है। वो तस्बीह देने के लिए आया था। अच्छा आप हमें तस्बीह देने आए थे? तुम्हारे लगाए थी, फिर मेरी गाड़ी में लगाई थी तो बोले यहाँ अच्छी लग रही है, नहीं अच्छी लग रही है आपके इधर, चलो थोड़ा। ये देखिए कितनी सारी तस्बीहें हैं, और ये हमें अब्दुल्ला भाई ने ये 2 तस्बीहें दी हैं जो हम गाड़ी में लगाएंगे मस्त। अस्सलाम वालेकुम, ध्यान रखें। चलो अब्दुल्ला भाई अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच आप आए, आपने हमें फ़ोन दिलाया, इमरान भाई से मिलाया इतने सारे लोग, और रब्बानी भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बट आपको हम बाद में करेंगे क्योंकि आप हमारे चलो गाइस। अपनी गाड़ी फाइनली, हमारे रब्बानी भाई ने गाड़ी को खुशबू खुशबू कर दिया माशाल्लाह, शुक्रिया भाई आपका। चलो जी लो भाई रब्बानी भाई को बाय बाय बोल देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। चश्मा लिया ना आपने अपना गुड्डू भाई वाला माशाल्लाह, सामान तो नहीं रहेगा ना? नहीं नहीं सब सेट है, रहेगा भी तो क्या बाद में ले लेंगे, क्या दिक्कत। ओके बॉस, सो गाइस फाइनली घर पे पहुंच चुके हैं, पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी है, और हरमन की हालत बहुत खराब हो चुकी है क्योंकि टाइम हो चुका है 2:41 सुबह के। ठीक है अभी क्या के सोते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब ने हमारा व्लॉग देखा यहाँ तक, जिसने भी देखा है ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और हमें दुआएं भी ज़रूर दीजिएगा, हमारे भाइयों को भी दुआएं ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर, फ़ी अमान अल्लाह। चलो